नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित जो काव्य खंड की कविता है, चंद्र गहना से लौटती बेल। इसका भावार्थ भी समझेंगे। तो जो भी साथी हमारी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें, क्योंकि इससे आपका फायदा तो होगा ही, और जिसको शेयर करेंगे उससे भी उसको भी हमारी इस पाठ से लाभ हो सकता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। चंद गहना से लौटती बेल, और एक बार में पूरा कविता पढ़ेंगे आधा आधा, और उसके बाद में फिर हम लोग इसका अर्थ देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि काव्यखंड है, कविता के ही पढ़ा जाए, माध्यम से ही पढ़ा जाए, तो उच्चारण उसका अलग होता है और भाव भी पढ़ने का उसी में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देख आया चंद्र गहना, देखता हूं दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। सजकर खड़ा है पास ही, मिलकर मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली। देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल पर को सिर पर चढ़ाकर, फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए या दू हृदय का दान उसको। और यार सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन आ गया है, आज जैसे देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। अभी तक हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद में इतने का अर्थ, उसके बाद फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, फिर क्योंकि बहुत, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इसका प्रसंग देखेंगे हम लोग, तो प्रसंग आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज के केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता चंद्र गहना से लौटती बेर से उद्गत हैं। तो कवि का कहना है कि चंद्र गहना मतलब एक चंद्र गहना नाम का गांव है, और वहां से लौटते हुए फसल का जो सौंदर्य देखता है उसी का वर्णन करता हुआ कहता है। तो कवि ने किस प्रकार कहा है कि देख आया चंद गया हूं, देखता हूं दस अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। यहां तक देखते हैं। तो कविवर महोदय कहते हैं कि मैं चंद गहना गांव देखकर आ रहा हूं, खेतों की मेड़ पर बैठा हुआ, और चने को देखकर कवि कहता है, क्योंकि यहां पर पूरा पढ़ना पड़ेगा, देख आया चंद गहना, देखता हूं दस अब मैं, इस मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बैंधे मुरैठा शीत पर छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा है। तो कविवर महोदय कहते हैं कि जिस तरीके से ये छोटा चना है, ये ठिगना मतलब होता है छोटा, कहे जिस तरह छोटा सा चना का पौधा है, और जिस चने के पौधे पर उस पर गुलाबी फूल रखा होगा, लोगों ने देखा होगा कि चने के पौधे में हल्के गुलाबी और हल्के बैंगनी कलर के फूल खिलते हैं। तो कह रहे हैं कि हल्के फूल आ गए हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि चने ने जो है फूलों की पगड़ी सिर पर बांध कर सज धज कर खड़ा हो गया। मुरैठा मतलब होता है साफा या पगड़ी, ठीक है? ठीक है, तो याद रखिएगा, मुरैठा मतलब होता है साफा या पगड़ा, और पगड़ी वो जो है सर पर खड़ा है अपने फूल को बांधकर, फूल का साफा बांधकर। आगे कर उगी ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील नील सिर पर चढ़ा, फूल को सिर पर चढ़ाकर। इतना पहले देख लेते हैं। कह रहे कि देखा कि जो अलसी है, अलसी आप लोग देखते होंगे, ठीक है, जो अलसी का जो है खाई भी जाती है ऐसे भी, उसको क्या बोलते हैं कि कहते हैं कि जो है ब्रेन के लिए फायदेमंद होती काफी ज्यादा। तो कहते हैं पौधा बहुत, और अलसी का पौधा बहुत, और अलसी का पौधा बहुत पतला होगा, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा। और अलसी का जो फल निकलता है, मतलब जिसमें अलसी होती है, वो जैसे एक क्या बोलते हैं मटकी नहीं होती छत पे सर पे रखे हुए, तो वैसे मटकी की तरह उसका वो होता है फल, छोटा सा, ठीक है, उस तरीके से। कह रहे हैं कि पास पर
पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली। क्योंकि बहुत पतला होता है उसका पौधा, तो कवि और महोदय कहते हैं कि जो है ये जो अलसी है अपने स्वभाव से हठीली है और कमर की पतली और देह की बहुत ही लचीली, और इस तरीके से कवि ने इसकी संज्ञा दी है। और वह भी चने के पास ही अपने नीले फूलों को लिए हुए खड़ी हुई है। आगे देखते हैं क्या लिखा है कवि महोदय ने। कह रही है जो छुए या हूं हृदय का दान उस दूं हृदय का दान उसको, और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। इतना देखते हैं। उसके बाद में कवर महोदय कहते हैं कि ऐसा लगता है, ऐसी सुंदरता है ये सारी प्रकृति को देख करके, ऐसा लगता है कि अलसी कह रही हो मानो जो भी मुझे छुएगा मैं उसी को अपना हृदय दान कर दूंगी, अपने दिल से उसे प्रेम करूंगी और उसी की मैं प्रेमिका हो जाऊंगी। आगे बात कही है सरसों की, कि सरसों के पीले फूलों की शोभाओं से मन मुग्ध हो गया हूं मैं। कवर महोदय फिर कि सरसों तो जैसे सयानी हो गई है और उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं, मतलब कि अब सरसों जो है अपनी उमंग पर है और फूल फल रहा है, तो ऐसा लगता है सरसों के खेत देखकर कि उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं और वह ब्याह के मंडप के इस रूप में आई है, तो वो फिर बहुत ही सुंदर लग रही है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज, जैसे देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, इस प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। तो अब देखते हैं इसमें इतने में क्या कहा गया है। कह रहे फाग मतलब होता है फागुन, कहते हैं फागुन कहते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जब सरसों जो है मंडप आई है तो ऐसा लग रहा है, जैसे फागुन का जो बसंती मौसम होता है वो इस स्वयंवर को देखकर फाग गाकर अपनी जो है प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। फाग मतलब होता है होली के गीत और फागुन मतलब होता है होली का महीना, मार्च जिसको बोलते हैं। और यह सब देखकर कवि कहता है कि लगता है जैसे फागुनी हवा में जैसे प्रकृति प्रेम का भरा आंचल मंद मंद मतलब धीरे धीरे से हिल रहा है। तो आशा है कि इतना आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैलो के तले है एक पोखर, उड़ रही इसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले लहरियां लहरियां, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आंख को चमकाता है कई है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। आगे देख लेते हैं। बगुला डुबो खड़ा बगुला डुबोए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है, चट दबा नीले गुच में नीले नीचे गले के डालता है, एक काले वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। ठीक है, इतना हम लोग देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था दूसरा इस विजन में, ठीक है। तो कहते हैं इस विजन में, इस वजन विजन मतलब होता है सुनसान एकदम बियावान जिसको कहते हैं, विजन मतलब होता है सुनसान बियावान, ठीक है। कहना है कि कवि महोदय ने कहा कि इस सुनसान में भी जो व्यापारिक नगर है, मतलब कि जो बड़े नगर होते हैं जिनको हम लोग महानगर बोलते हैं, यहाँ की जो जीवन की व्यापारिक चकाचौंध है वो जो है अलग हटकर प्रेम पूर्ण वातावरण आया हूँ, गाँव में आया हूँ मैं चंद गहने से। चंद गहनों में जो है, चंद गहना गाँव ऐसा है जहाँ तो एक सुनसान बियावान भले स्थान निर्जन स्थान है, लेकिन इस फसल को देखकर लगता है कि ये जो जो व्यापारिक नगर होते हैं जो बड़े हैं, नगर होते हैं उनसे भी हटकर ये पूरा प्रेम पूर्ण वातावरण है यहाँ। आगे कह रहे हैं प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों तले है उठ रही इसमें लहरिया, नील
तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह बिलहरियां। इतना देखते हैं, कहना कि कविवर महोदय ने कहा है, इस प्रकृति का वर्णन तो कर ही रहे हैं इसमें, और प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पास ही पोखर, मतलब क्या होता है, तालाब है, तालाब है, पोखर है, उसमें लहरें उठ रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा तालाब में जो पत्थर फेंकते हैं, गोल गोल सी लहरें उठती हैं और बड़ी दूर तक चली जाती हैं। तो वही कविवर महोदय कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस पोखर में जो है लहरें उठ रही हैं, और जल के सतह के किनारे जो नीले हुए जल में जो घास उगी है भूरी भूरी, और वो भी जो है जल के साथ लहरा रही है। आगे कह रहे हैं, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंख को है चमकाता, है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। इतना देखते हैं, कहना कि पानी में जो सूर्य दिखाई पड़ता है आपको, अगर आप पत्थर मारते हो तो ऐसा लगता है सूर्य भील रहा है। तो वही बात कह रहे हैं कि ऐसा जान पड़ता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि पानी में जो सूर्य का प्रतिबिंब हिल रहा है वो चांद के किसी गोल किंतु बड़े खंभे के समान हो गया है, और वह आंखों में चमक उत्पन्न कर चमका दे रहा है, और किनारे के पत्थर चुपचाप जैसे पानी पी रहे हैं। आपने देखा होगा कि नदी और तालाब के किनारे पत्थर पड़े होते हैं, तो ऐसा कविवर महोदय ने कहा कि उन पत्थरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो है ये पत्थर पानी पी रहे हैं। आगे क्या है, प्यास जाने कब बुझेगी, चुपचाप पगला डुबोए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान दाता रहता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कविवर महोदय कहते हैं कि उन्हें देखकर कवि जो है पत्थर को बताता है कि ऐसे हैं कि जैसे पानी पी रहे हैं, और कविवर फिर सोचते हैं कि ये पत्थर पानी तो पी रहे हैं लेकिन कब तक पानी पिएंगे, इनकी प्यास कितनी है और ना जाने ये कब बुझेगी। तो ये सारी चीजें कविवर महोदय ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे वर्णन किया है प्रकृति का। आप देख रहे होंगे बगुले की बात हो रही है, तो यहीं से शुरू करते हैं। चुप खड़ा है, चुप खड़ा बगुला डुबोए टांग जल में, टांग मतलब होता पैर, ठीक है, देखते ही मीन मतलब होती है मछली, चंचल मतलब होता है बहुत चंचल होती है, ध्यान निंद्रा मतलब जो वो ध्यान लगाकर बैठता है वो त्याग देता है, मतलब कि नींद से जग जाता है। तो कह रहे हैं कि जल में एक टांग पर खड़े बगुले, आप देख सकते हैं चित्र में, कह रहे कि जल पर एक टांग पर जो बगुला है वो खड़ा हुआ है और योगी की भांति ध्यान साधना कर रहा होता है, और मछली को ही वो मछली को किसी चंचल मछली को देखता है वैसे ही वो अपना ध्यान त्याग देता है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। कह रहे कि चट से बहुत ही तुरंत, बहुत ही चपला से, मतलब फुर्तीलेपन से वो क्या करता है, उस मछली को जो है अपनी चोंच में दबाकर नीचे गले के उतार लेता है, मतलब खा लेता है। आगे क्या कहा है, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। कहना है कि जो है उसके बाद एक काले मत्थे वाली चिड़िया है, कविवर महोदय कहते हैं कि एक काले मत्थे वाली चिड़िया है, और जो है वो जैसे ही श्वेत मतलब सफेद पंख होता है और वो उड़ रही है, और जैसे ही पानी के अंदर कुछ भी दिखती है, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती, कहना कि जैसे ही जो है वो उड़ती रहती है पानी के ऊपर उड़ती रहती है, उसके बाद जैसे ही वो तालाब में या नदी में मछली देखती है और तुरंत उस पानी के अंदर फौरन घुस जाती है, और झपट्टे मारकर जो उसे अपने चोंच में दबाकर दूर आकाश में उड़ जाती है। तो इस तरीके से ये कविता यहीं पे खत्म होते हैं। आगे देखते हैं और पढ़ते हैं कि क्या लिखा है कविवर महोदय ने प्रकृति के बारे में। तो आप लोग शब्द का अर्थ करते रहिएगा, कारण समझते रहिएगा, व्याख्या करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं, और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूं जाना नहीं है, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस, सुग्गे का स्वर टे 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 सुन पड़ता है, वनस्थला चीरता उठता गिरता सारस टिटो टिटो टिटो, मन होता है उड़ जाऊं मैं पैर फैलाए सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुप्पे चुप्पे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से
कैवर महोदय ने कहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि आगे कैवर महोदय ने क्या जो है भावार्थ इसका बताया है। तो हम लोगों ने इसमें सुना था, पढ़ा था यहाँ से और यहीं से, ठीक है, कह रहे और यहीं से भूमि ऊंची है। कैवर महोदय कह रहे हैं कि खेतों के बाद की जमीन है और वहां ऊंची ऊंची है और वहां रेल की पटरी है, लेकिन रेल की पटरी गई तो है लेकिन ट्रेन आने का टाइम नहीं। स्वच्छंद मतलब होता है फ्री होकर, बिल्कुल ठीक है, कह रहे वहां मुझे स्वच्छंद मतलब होता है फ्री होकर, किसी चिंता किसी फिक्र के नहीं, ठीक है, कह रहे उस ट्रेन का कोई आने का टाइम नहीं है और मैं मुझे भी किसी चीज की चिंता है नहीं, क्योंकि मुझे कहीं आना जाना नहीं है, क्योंकि मेरा जो जीवन है वो अस्त व्यस्त जीवन से थोड़ा सा फुर्सत में है। और ये बात कहकर कवि कैवल महोदय व्यस्त जीवन की जो है थोड़ी सी व्याख्या भी यहाँ करनी चाहिए। ये जो भागम भाग दौड़ अस्त व्यस्त का जीवन है उस तरफ भी संकेत कर रहे हैं। आगे देखते हैं, ग्रामीण परिवेश का जो वर्णन करते हुए कैवल महोदय कहते हैं कि चित्रकूट की तरह जो है कम ऊंची और अनगढ़ मतलब होता है बिना किसी डिजाइन के, चौड़ी पहाड़ियां दूर तक फैली यहाँ पर दिखती हैं। आगे देखते हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुनता है मीठा मीठा रस टपकता, सुग्गे का स्वर टेटे टेटे सुन पड़ता है। कह रहे हैं कि जो जमीन बांझ मतलब होती है कि पथरीली, जिस पर कुछ उगता नहीं है, कह रहे हैं ये जो पथरीली जमीन है जो बांझ है, फिर भी वो कहीं रीवा के जो है कांटे के जो है पौधे उगे हुए हैं, पौधे फैले हुए हैं और इस बियाबान में, ठीक है, टेटे मतलब कि सुग्गा मतलब क्या होता है तोता, कहना कि इस बियाबान में मीठा सुर मतलब जो है सुनाई पड़ता है, तोतों का झुंड जो है वो मीठा मीठा सुर उसका सुनाई पड़ता है। और कहते हैं कि वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिटो टिटो, कहना कि और जो है ये जो वनस्थली, ये जो गाँव की यहाँ की जो शांति है, इस शांति की नीरसता नीरवता को भंग करता हुआ मतलब इसको चीरता हुआ जो है यहाँ पर अत्यंत करुण के साथ जो है उसका स्वर सुनाई पड़ता है और सारस का, और जो है जो आवाज आती है टिटो टिटो का स्वर, मानो कि वो जो है उसकी नीरसता उसकी जो साधना है उसको भंग कर रही है, तोड़ रही है। आगे मन होता है उड़ जाऊं मैं पैर फैलाए सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। तो उसके बाद में फिर भावार्थ में कैवल्य महोदय ने कहा है कि ऐसा मन करता है कि हृदय प्रकृति और हृदय के से अंदर से ये मन करता है कि जो प्रकृति इतनी सुंदर है तो मेरा मन उसके समय भी सारस के साथ पंख बांध कर उन हरे खेतों में उड़ जाऊं जहाँ सारस और सारसी मतलब सारस के जोड़े, इन्होंने लिखा है सारस के संग, ठीक है, जुगल जोड़ी का मतलब होता है जोड़ी, सारस और सारसी का जोड़ी, ठीक है, और उनकी जो सच्ची प्रेम कहानी है अपने कानों से सुन लूं। कैवल्य महोदय ने यहाँ नगरी जीवन की व्यापारिक चकाचौंध से ऊब भरी संस्कृति से घृणा तथा ग्रामीण प्रवेश जो गाँव का समाज है वहां का समाज है वहां का लगाव है ऐसा है, तो सहजता ही उससे जो है दिल लग गया है, कैवल्य महोदय कह रहे हैं, और वो एक सम्मोहित हो गए हैं उसके प्रेम युक्त वातावरण में। तो कह रहे हैं सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुप्पे चुप्पे, कह रहे इस तरीके से मैं वहां जाऊं और जो मैं वहां से उनकी प्रेम कहानी जाकर। तो इस तरीके से ये इस कविता का भाव है, भावार्थ रहा। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जो भी लोग चैनल पे हैं सब्सक्राइब करते चले, लाइक शेयर करते चले। चलिए देखते हैं आगे क्या है इसमें क्वेश्चन। इस विजन में अधिक है पंक्तियों के नगरी प्रगति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा कि वहां पे गांव में जो है प्रकृति प्रेम सौंदर्य सरसता और मानवता जैसी चीजें जो है वो मर गई हैं, जो शहर की बात करें, और अगर गांव की बात करें तो गांव में जो है सुख है, वास्तविक सुख शांति प्रेम प्रकृति को बुलाकर अलग है, थोड़ा सा अलग है। सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता है? तो सरसों को सयानी कहकर कवि ये कहना चाहता है कि जो है इनमें फलियों का विकास होने लगा है और विवाह वो आगे विवाह कार्य के लिए संपन्न हो जाएंगे, और स्वयंवर की भी बात कहती हैं। अगला है अलसी के मनोभाव का वर्णन कीजिए। अलसी को जो है चंचल कहा है और कह रहा है कि वो जो भी मेरे पास आएगा मैं उसको अपना हृदय दान कर दूंगी, ये सारी चीज। तो
ये सारी चीजें इस तरीके से हैं। अगला है, चांदी से बड़ा खोल खंभा कभी न किसी सूक्ष्म की कल्पना का आभास मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि जो सूर्य के जल में हिलते हुए जो प्रतिबिंब की छाया है वो लहर रही होती है, तो उसको जो है कभी भी ना चांदी के बड़े गोल खंभे का आभास देती है। अब हरे चने का सौंदर्य इसमें कवि महोदय ने पूछा है कि चित्रित कीजिए, तो आप लिख सकते हैं कि चना हरा जो है एक छोटा सा ठिगना है, और सर पर जो है गुलाबी फूल मतलब मुरेठा बांधा हुआ, पकड़ी पगड़ी बांधे हुए और सजकर खड़ा हो गया। तो इस तरीके से ये सारे उत्तर हैं मैंने बता दिया। आगे देखते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण है, भाषा अध्ययन है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, देहात का दृश्य है, अरहर कल्लो सी भरी हुई फलियां झुक जाती हैं, और शोभा सागर कमला ये कमला बस लहराती। तो ये है जैसे है लीजिएगा, तो आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। ये सिलेबस मिलता नहीं है इस वजह से इसको हम छोड़ रहे हैं बहुत। और शब्द संपदा ये है, और शब्द संपदा मैंने बता ही रखी है, बीते के बराबर मतलब छोटा सा बलिस्था जिसको बोलते हैं बड़े हाथ का, 22.5 सेंटीमीटर लगभग बोला है। ठिकना मतलब नाटा, छोटा मुरैठा मतलब पगड़ी होती है, हठीली मतलब जिद्दी होती है, फाग मतलब होली के पास गाया जाने वाला लोकगीत होता है, पोखर मतलब छोटा तालाब होता है। ये सारी चीजें हमने बता दी है। तो चलिए आज के लिए इसको यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और जो भी लोग हमारे चैनल पहली बार हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करते चले। जय।